हेलो गाइस, वेलकम टू द बैकयार्ड जिम। अगर आपका एम है कि घर में वर्कआउट करके एक अच्छी फिजिक को अचीव करे, देन यू आर राइट चैनल। तो बुक्स आर द सी ऑफ नॉलेज। अगर आप इस सी में से एक जग नॉलेज का अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो कैसा होगा? तो इसीलिए मैंने जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से कुछ चीज़ें लेकर इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करी है। मे बी यह आपको हेल्प करे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सर्टन सिचुएशन हमारे अंदर कुछ चेंज करती है? लाइक फॉर मी, जब मैं पार्क में जाता हूँ, आई सी समवन प्लेइंग फुटबॉल, तो मेरे में मन के अंदर से एक फीलिंग आती है कि आई हैव टू प्ले आल्सो, बिकॉज आई यूज टू प्ले फुटबॉल, सो आई हैव दैट अटैचमेंट और फीलिंग टू दैट एक्टिविटी। तो ऐसा ये क्यों होता है? एज आई सेड बिफोर कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल, तो ये मेरी हैबिट थी। तो व्हेनेवर आई सी समवन प्लेइंग फुटबॉल, तो वो एक क्यू जनरेट होता है और मेरे अंदर से एक फीलिंग्स आती है कि एज आई यूज टू प्ले फुटबॉल, तो इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी। तो वो क्यू मुझे ट्रिगर करता है फुटबॉल खेलने के लिए। चलो अब इस एक्सरसाइज में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दिस एक्सरसाइज इज मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल पुशअप। फर्स्ट आपको नॉर्मल पुशअप करना है, देन आपको ऑल्टरनेटिवली हैंड को अपने मूव फॉरवर्ड करना है। देन जब ऑल्टरनेटिवली आप हैंड को मूव फॉरवर्ड कर देंगे, देन आपको दोनों हाथों को हवा में मूव करना है। इट्स एक्सप्लोसिव पुशअप जो आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। This means we have certain feelings for specific environment, specific thing, जिससे हमारा relationship build हुआ है और वो trigger करता है हमें to do that activity. For example, when you're drinking, तो आपके साथ आपके friends होते हैं, you have that environment, तो जिससे आपको वो trigger करता है drink करने में और आपको एक satisfaction मिलती है, एक enjoyment मिलती है। तो we have to build that kind of relation with specific object जो आप अचीव करना चाहते हैं। Like if you want to read book, तो आपको वो एक relation बनाना पड़ेगा, एक feelings generate करनी पड़ेगी उस book से, ताकि whenever you find that book in front of you, you'll start learning. चलो अब इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। दिस एक्सरसाइज इज एडवांस वेरिएशन ऑफ पुशअप। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ? फर्स्ट मैं पुशअप करके अपने एक हैंड को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, देन उसी हैंड की एल्बो को मैं उसी एक डायरेक्शन की नीज से टच करवा रहा हूँ, जिससे मेरे एब्स का ओब्लिक एरिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। ये एक्सरसाइज बेनिफिशियल है अपने चेस्ट मसल्स के लिए, अपने शोल्डर मसल्स के लिए, अपने कोर के लिए। बेसिकली आप इसे कह सकते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। और जो हमारी थर्ड फुल बॉडी वर्कआउट की एक्सरसाइज होने वाली है, वो है बर्पीज। बर्पीज आर द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथ, योर एक्सप्लोसिवनेस और वेट लॉस। इसमें हमें करना क्या है, हमें पुशअप लेना है, देन इमीडिएटली अपने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को यूज़ करके आपको जंप लेनी है। यही मूवमेंट आपको बार बार रिपीटेडली रिपीट करते रहनी है। दिस बर्न्स सो मच ऑफ योर कैलोरीज। ये जो तीन एक्सरसाइज है, हमें इनके तीन तीन सेट करने हैं और रैप रेंज आपके 10 से मैक्सिमम होनी चाहिए। बाकी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आप कितने रैप्स लगा सकते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में यूजिंग पुल अप बार आई एम ट्रेनिंग माई रेडर। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें करना क्या है, इसमें आपको पुल अप बार को पकड़ना है और अपनी गर्दन को हैंड्स के अंदर लेकर जाना है और अपने शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। आपको उधर होल्ड करना है और अपने रियर डेल्ट को फील करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। तो हमारी कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी हैबिट इन चार स्टेप में रिवॉल्व होती है, जो कि है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू होता क्या है? क्यू इज
एन एक्सटर्नल ट्रिगर जो हमारी कोई भी हैबिट के पीछे होता है। क्रेविंग कोई भी मोटिवेशनल फैक्टर किसी भी हैबिट के पीछे। रिस्पॉन्स जो भी हम एक्शन लेते हैं किसी चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए। रिवॉर्ड कुछ सेटिस्फाइंग भी हो सकता है, कभी भी अनसेटिस्फाइंग भी हो सकता है। जैसे कि जब हमारा मोबाइल बज करता है, दैट इज़ क्यू। हमारे अंदर क्रेविंग होती है कि मोबाइल में क्या चीज़ आई है, वो होगी क्रेविंग। रिस्पॉन्स जब हम अपने मोबाइल को हैंड में पिक करते हैं और उसको देखते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्स। रिवॉर्ड जब हम उसे देख के सेटिस्फाई होते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो अगर हमें एक अच्छी हैबिट बनानी है तो हमें क्यू को बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को बहुत ही ज़्यादा ईजी, रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। एंड टू ब्रेक बैड हैबिट क्यू को इनविजिबल बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग। Now I've done 7 muscle up in a row. So I'm slowly getting there.